एमपी में चुनावी हार जीत पर लगी हैरान करती शर्त, फलौदी को फेल करता अनोखा मामला, लिखित में हुआ बीजेपी कांग्रेस की जीत पर शर्तिया करार, स्टाम्प पेपर का अजीब सा इस्तेमाल। नमस्कार, एन भारत के साथ मैं हूं टीएन मनीष। मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को हो चुका, बम्पर वोटिंग हुई, तमाम तरह के कयास हैं। फलौदी सट्टा बाजार मैदान में उसने हर राज्य के अपने अनुमान निकाल दिए, दूसरी तरह के सट्टे भी खेले जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक विचित्र किंतु सत्य शर्तनामा से रूबरू करा रहे हैं। शर्तनामा ये कि आज 22/11/2023 को गवाहों के समक्ष मैं धनीराम भलावी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सूखापुरा निवासी पडर भट्टा, जो कि नीरज मालवे निवासी वार्ड नंबर 8 हरई में रहने वाले से ये शर्त लेता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और नीरज मालवे का कहना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो नीरज मालवीय धनीराम भलावी को शर्त बतौर 1,00,000 रुपए देगा, जिसका चेक अमित पांडे निवासी हरई वालों के पास जमा रहेगा। और यदि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो धनीराम भलावी नीरज मालवीय को शर्त बतौर 1,00,000 रुपए देगा। एन भारत, इस तरह की किसी भी सट्टा शर्त या ऐसे लिखतम को किसी भी तरह से ना तो समर्थन देता है और ना इसकी पूरी तरह से पुष्टि करता है। एन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।